नमस्कार दोस्तों, मैं केजरी बवाल। साथियों, मेरी दिल्ली को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने पूरे देश के अंदर झूठ बोला हुआ है कि दिल्ली में प्रदूषण हो गया। तरह तरह का प्रदूषण बताते हैं ये लोग। कभी कहते हैं कि हवा के अंदर जहर आ गया है, कभी ये लोग कहते हैं कि यमुना में जहर। आप खुद देखो, आज मैं यमुना से लाइव आपके लिए आया हूँ मेरे साथियों, दिखाने के लिए। इधर लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के सोचना क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। एक बार इधर कैमरे में एक सेकंड के लिए दिखाओ, ये देखो आप, ये देखो, ये आपको व्हाइट व्हाइट क्या दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं ये लोग भटकाते हैं आपको कि ये पॉल्यूशन है। साथियों, ये पॉल्यूशन नहीं है, ये पॉल्यूशन नहीं है। मैं लॉजिक समझाता हूँ, साइंस समझाता हूँ आपको। ये इतना साफ पानी है, इसको अभी मैं हाथ में लेके अगर मनीष होता तो इसको पिला भी देता, वो पी भी लेता वो, क्योंकि फिजिक्स जानता है वो। मैं नहीं पी सकता, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है मुझे। दोस्तों, ये जो झाग आप देख रहे हैं, फोम जो आप देख रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि ये ऐसा केमिकल का, ये सारा कोरा झूठ बोल रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने दिमाग का, दिल्ली का दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके रख दिया। दोस्तों, ये झाग क्या है? साथियों, हमने कहा था कि हम लोग अच्छा जीवन देंगे, अच्छा पानी देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। साथियों, आज पूरी दिल्ली नहाने लगी है। मेरे आने से पहले आधी दिल्ली नहाती नहीं थी दोस्तों, क्योंकि बहुत खर्चा आता था बिजली का, पानी का। अब बहुत दिल्ली वाले नहाने लगे हैं। अब यमुना में ही सारा पानी आता है, बाथरूम का, इसका उसका, सबका पानी यमुना में ही आता है। तो जब ज़्यादा लोग नहाएंगे तो जाहिर सी बात है झाग तो आएंगे दोस्तों। ये वही वाले झाग हैं, इस झाग को आग लगा के बताते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। और मैं बताता हूँ, आज मैं आपको असली साइंस बताता हूँ क्या। ये जो फोम आप देख रहे हैं यमुना मैया के ऊपर जो फोम है, ये यमुना को कवर करने के लिए दोस्तों, जैसे वो इज़राइल ने फोम बम छोड़ा है, कुछ इसी टाइप का फोम है ये। ये हमने एक इंस्टीट्यूट में बहुत हमने मेहनत करके उसको केमिकल बना के पूरे यमुना के अंदर इसको घोला है। इससे होता क्या है, ये बहुत ही चमत्कारिक और रंग बिरंगा गिरगिट वाला फॉर्म है। यानी कि कोई इसके ऊपर जैसी कुछ भी यमुना के अंदर सामान डालता है, मूर्तियाँ या फिर कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें, भारी भरकम चीज़ें यमुना में, ये फॉर्म दोस्तों टाइट हो जाती है और नीचे किसी को आने नहीं देती। यानी पानी बिल्कुल नीचे साफ रहता है दोस्तों। और जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण आता है, यानी कि दूसरे शहरों से आता है, पंजाब से, हरियाणा से जब प्रदूषण आता है, तो ये फोम स्पंजी बन जाती है दोस्तों। सारे उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, रंग बिरंगी है ये बहुत ही वैसी वाली जो होता है ना, जो अपना एकदम से रंग रूप बदल लेते हैं, वैसी वाली फोम है दोस्तों। ये इसको गलत बताते हैं, हमारी हर चीज़ को ये लोग गलत बताएंगे। आप एक बार फिर कैमरा दिखाओ, इतना साफ एकदम वाइट रंग का फोम है और ये लोग कहते हैं कि प्रदूषण है। दोस्तों, प्रदूषण की चीज़ तो काली होती है, काली। वाइट नहीं होती दोस्तों, वाइट नहीं होती। आज सारी दिल्ली के सामने मैंने दिखा दिया, यमुना मैया कितनी सफ़ेद है, कितनी सफ़ेद है, देखो एकदम सफ़ेद पड़ी हुई है, एकदम सफ़ेदी की चमकार है। यानी आपने कभी कपड़े धोए होंगे, जब आप लोग कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद जो झाग आता है वो मैला होता है दोस्तों, क्योंकि आपके कपड़ों का मैल होता है। अब यमुना के अंदर झाग इतना सफ़ेद है, इसका मतलब यमुना मेरी बिल्कुल साफ है, यमुना मैया बिल्कुल साफ है। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है इन झागों से, इस प्रदूषण से, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, तो फिर पानी यहाँ से ख़त्म कर दो, इसको खाली कर दो, और यहाँ पर मैं रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की यहाँ पर कॉलोनियाँ बसा दूंगा, खाली कर दो इसको। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, यहाँ पे खाली कर दो 10-20 किलोमीटर, वो जो गंगा जमुनी वाला ड्रामा है वो थोड़ा 10-20 किलोमीटर दूर से शुरू कर लेना। तो साथियों, आपने बहकना नहीं है, यमुना में कोई पॉल्यूशन नहीं है। और मैंने शराब की दुकानें इतनी खोल दी हैं दिल्ली के अंदर, इतनी शराब की दुकानें खोल दी हैं कि आपको यमुना की बदबू ही नहीं आएगी अब। शराब की बदबू आएगी पूरी दिल्ली में, ये लॉजिक था। इतनी शराब की दुकानें खोलेंगे, यमुना की बदबू दब जाएगी दोस्तों। हमने जो कहा सो किया, यानी हमारा एक एक कदम जो है वो दिल्ली वालों के लिए है। ये लोग भटकाएंगे, आपको भटकना नहीं है, लॉजिक से काम लेना, साइंस से काम लेना। मनीष 6 बजे उठ जाता है, जिसका मंत्री 6 बजे उठता हो, 7 बजे CBI आ जाती है दोस्तों, वो कभी गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। आज आप केजरी बवाल की आत्मा को कैद नहीं कर सकते, शरीर को कैद कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, यमुना मैया के सफ़ेद सफ़ेद दर्शन कीजिए, एकदम धवल रंग हो रखा है, एकदम सफ़ेदी की चमकार है, आप इसको देखने जरूर आइए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।